एटा पुलिस ने 3 दिन पूर्व कोतवाली नगर क्षेत्र में हुई झारखंड राज्य के चालक की कासेद अंसारी की हत्या का खुलासा कर दिया है। कासेद की हत्या 5 आरोपियों ने शराब के एक पौवा के लिए एटा कोतवाली नगर क्षेत्र में रेलवे रोड स्थित एक शराब के ठेके के पास ईंट से कुचल कर की थी। 5 मार्च 2022 को एटा कोतवाली नगर पुलिस को रेलवे रोड के किनारे किसी अज्ञात व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। जांच में पता चला कि मृतक कासेद अंसारी झारखंड के कस्बा मोहन डीह थाना पिंडरा जोर जनपद बोकारो झारखंड का रहने वाला था। घटना वाले दिन आरोपियों ने मृतक की जेब में रखे एक शराब के पौवे को पीने के लिए छीनने की कोशिश की और मृतक द्वारा इसका विरोध करने पर सभी 5 आरोपियों ने मृतक के साथ मारपीट की थी। मृतक द्वारा जब उनसे ये कहा गया कि वो अपने साथ हुई मारपीट की शिकायत पुलिस से करेगा तो सभी 5 अभियुक्तगण मृतक को पकड़ कर खोखे के पीछे ले गए और उसकी जेब में रखा हुआ पौवा छीन कर पी गए। मृतक द्वारा जब इसका विरोध किया गया तो अभियुक्त गणों ने उसको वहीं पर गिराकर पास में पड़ी इंटरलॉक की ईंट से उसके सिर तथा चेहरे पर प्रहार किया और उसकी हत्या कर दी। मृतक टाटा मोटर्स कंपनी जमशेदपुर झारखंड से ट्रक के चेसिस को लेकर एटा आया था और इस दौरान शराब पीने के लिए एटा के रेलवे रोड स्थित शराब के ठेके पर गया था जहां ये घटना हो गई। पुलिस ने कासेद अंसारी की हत्या के आरोप में 3 आरोपियों आशीष, योगेश और अमन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य आरोपी सचिन और गौरव अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त इंटरलॉक ईंट, शराब का खाली पौवा, ग्लास, नमकीन घटना स्थल से बरामद कर ली है। एटा से नंद कुमार की रिपोर्ट, SKH न्यूज। पास एक व्यक्ति का शव मिला था, क्या जानकारी हो और क्या मामला है? दिनांक 5 मार्च की रात्रि लगभग 11 बजे रेलवे चौराहे के पास थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत एक व्यक्ति की अज्ञात लोगों द्वारा ईंट से मारकर हत्या कर दी गई थी। सुबह उसकी डेड बॉडी बरामद हुई। पुलिस के द्वारा घटना की गहनता से छानबीन करते हुए मृतक की इसमें शिनाख्त उसके पास उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर की गई तो ज्ञात हुआ जनपद बोकारो और वो झारखंड राज्य का रहने वाला था, जो यहाँ पर टाटा मोटर्स की ट्रक की चेचिस को लेकर आया था और दिन में शराब पीकर घूमते हुए रेलवे स्टेशन के आसपास देखा गया था। रात्रि में एक पौवा बोलते हैं देसी शराब का, उसको अभियुक्त गणों के द्वारा जो खरीदी गई थी उसने एक पौवा शराब चोरी करके अपनी जेब में डाल लिया था, जिसके कारण इस मारपीट की घटना के परिणाम स्वरूप उसकी हत्या करने का तथ्य प्रकाश में आया है। घटना में शामिल 3 अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी कर ली गई है। 2 अभियुक्त गण फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। सर, जो अभियुक्त थे ये क्या पूर्व में से परिचित थे या वहाँ ठेके पर ही मुलाकात हुई थी? ये पूर्व के परिचित नहीं थे, ठेके पर दोनों ही शराब पी रहे थे और इसी दौरान जो मृतक है उसने एक पाउच शराब इनकी उठाकर चोरी करके अपने जेब में डाल ली, जिसके कारण इन्होंने पास में वहां इंटरलॉकिंग टाइल्स के उपलब्ध ईंट से उसके सर पे मार दिया, परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। तो सिर्फ एक पौवे की खातिर हत्या कर दी थी? जी, मात्र एक पौवे शराब के कारण इस हत्या की घटना को अंजाम दिया जाना अब तक की छानबीन से प्रकाश में आया है।